तो आज के इस वीडियो से बात करने वाला हूं जियो के अपकमिंग 5G के 5 नई अपडेट के बारे में। तो फाइनली वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जियो अपने 5G सर्विसेज को इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है। और यहां पर जियो के अपकमिंग 5G सर्विसेज की 5 जो नई अपडेट्स हैं वो आज फिर से यहां पर निकल कर आ चुकी है। सबसे पहली जो अपडेट है वो यहां पर जियो के 5G नेटवर्क के लॉन्च को लेकर के है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो भी अभी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है उससे कहा जा रहा है कि पिछले कुछ टाइम से लीक्स आ रहे थे कि 15 अगस्त को जियो अपनी जो 5G सर्विस है वो इंडिया में अनाउंस कर सकता है, लेकिन इस टाइप से कोई भी चीजें नहीं हुई। और अब यहां पर जो 5G सर्विसेज है वो इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं 29 अगस्त को ऑफिशियली जियो यहां पर अपनी एक मीटिंग करने वाला है जिसमें ये लोग अपने काफी सारे प्रोडक्ट और काफी सारी चीजों को रिवील करने वाले हैं। दोस्तों इसी इवेंट में जियो का जो 5G नेटवर्क है वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो लॉन्च डेट है 29 अगस्त। दोस्तों अगली जो अपडेट है वो जियो के 5G सर्विसेज की अवेलेबिलिटी को लेकर के है। लॉन्च तो हो जाएगा लेकिन अवेलेबल कब से होगा, तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो 1000 सिटीज जियो ने सेलेक्ट किया है, सबसे पहले जियो उन सिटीज पे फोकस करने वाला है। जो सिटीज जो मेट्रो सिटीज यहां पर हैं उन पे सबसे पहले जियो फोकस करेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम यूजर को सबसे पहले जो 5G नेटवर्क है वो यहां पर देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में इंडिया में सभी जगहों पर जो छोटे मोटे शहर हैं सब मतलब कोने कोने में जो 5G नेटवर्क है वो यहां पर जाएगा। और इसमें आप कह सकते हैं कि 6 महीने साल भर का टाइम लगने वाला है जहां तक मुझे लग रहा है। इसके साथ में अगर बात करूं अगले अपडेट के बारे में, अगला जो अपडेट है वो जियो के 5G फोन को लेकर के है। यहां पर जियो 5G फोन भी लॉन्च होने वाला है 29 अगस्त को इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। और यहां पर कहा जा रहा है कि ये जियो का पहला अपकमिंग ऐसा 5G स्मार्टफोन होगा जो कि आपको बहुत ही सस्ती प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलेगा। ये जो स्मार्टफोन है इसकी प्री बुकिंग जो डिटेल है वो निकल करके आ चुकी है। कहा जा रहा है कि ₹2000 से आप जियो 5G फोन को प्री बुक कर पाएंगे और यहां पर इसमें आपको EMI का भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। आप खरीद करके बाकी जो पैसा है वो EMI के तौर पे महीने महीने यहां पर चुका सकते हैं। और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो कुछ ₹10000 के करीब बताई जा रही है। तो देखते हैं जियो का जो 5G स्मार्टफोन है वो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल करके आता है। अगला जो अपडेट है वो जियो के 5G प्राइजेस को लेकर के है। यहां पर काफी समय से काफी सारे जो प्लान है वो लीक हो रहे हैं कि जियो का ये 5G प्लान होने वाला है, इतने रुपए में इतना GB डेटा मिलेगा, 399 रुपए में इतना GB डेटा मिलेगा। लेकिन यहां पर प्राइजेस को लेकर के जो अपडेट आई है उससे ये कहा जा रहा है जिस टाइप से 4G के साथ में हुआ था कि एयरटेल VI के कंपेरिजन में जियो का जो 4G डेटा है वो अभी भी सस्ता है, जो 4G डेटा प्लान है वो अभी भी सस्ते हैं। सेम इसी टाइप से चीजें 5G के साथ में भी होने वाली हैं। और यहां पर एयरटेल और VI के मुकाबले आपको जियो की जो 5G सर्विस है वो सस्ती देखने को मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइजेस आपको 4G के जितना मिलेंगी, प्राइजेस जो है वो मतलब अपने लेवल पे जाने वाले हैं, प्रीमियम प्राइजेस आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उस कंपटीशन की बात करें जहां पर जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में कंपटीशन होता है, तो उस कंपटीशन में जियो की जो प्राइसेस हैं वो काफी कम रहने वाली हैं और भी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके मुकाबले। तो जियो इस बार भी सस्ता डेटा प्रोवाइड करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं। अगली जो अपडेट है वो यहां पर निकल करके आती है जियो के 5G सिम कार्ड को लेकर के। जियो का 5G सिम कार्ड भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा और ये जो सिम कार्ड है वो भी यहां पर 29 अगस्त को कहा जा रहा है कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा ऑफिशियली कंपनी की तरफ से। इस लॉन्च इवेंट में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो 5G सिम कार्ड भी यहां पर लॉन्च होने वाला है और उसके बाद में आप अपने 4G सिम कार्ड को 5G पे अपग्रेड कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कुछ नई चीजें फिलहाल निकल करके आई हैं जियो के अपकमिंग 5G नेटवर्क के लिए। अब देखते हैं 29 अगस्त को क्या क्या चीजें निकल करके आती हैं और क्या चीजें होती हैं। साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर जो लोग अभी 4G स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, अभी इंडिया में ज्यादातर लोग 4G स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, तो जियो वगैरह की तरफ से 5G सर्विस आने के बाद में उनको 15 से 16 हजार रुपए खर्च करना पड़ेगा, 15-16 हजार रुपए पे करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि ये पैसा क्यों पे करना है, तो ये पैसा पे करना है आपके स्मार्टफोन के लिए। जियो का जो 5G सिम कार्ड है वो 4G स्मार्टफोन वगैरह में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जिन लोगों का भी क्वेश्चन आ रहा है कि क्या 4G में 5G चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। 4G स्मार्टफोन फेंकना ही फेंकना है आपको। अब चाहे आप उसको एक्सचेंज कर दें या फिर किसी को दे दें या फिर रखे रहें, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पर आपको 15 से 16 हजार रुपए एक अच्छा 5G स्मार्टफोन लेने के लिए देना ही पड़ेगा, तभी आप 5G सर्विसेज यूज कर पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये है कुछ नई अपडेट जियो के बारे में जो कि मैंने सोचा जरूर से आपके साथ में शेयर करना चाहिए। अब आप यहां पर 5G रेडी हैं अपने स्मार्टफोन के हिसाब से या फिर नहीं है, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।